किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के लिए गेहूं की टॉप 3 ऐसी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। देखिए दोस्तों, यदि आप वैरायटी की लिस्ट में जाओगे तो आपको हजारों वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वैरायटी का सिलेक्शन करने से पहले आपको 3-4 पॉइंट अवश्य देख लेने हैं। पहला पॉइंट, आपको क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाना है। जैसे कि मैं एमपी के लिए वैरायटी बता रहा हूँ तो आपको ये वैरायटी एमपी में ही लगाना है। अगर आप यूपी में हो तो यूपी वाली वैरायटी ही लगाना है। यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में जो वैरायटी लगाई जाती है या जो वैरायटी बनाई गई है महाराष्ट्र के लिए, वही वैरायटी आपको लगाना है। काफ़ी किसान भाई यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, जैसे पंजाब की वैरायटी एमपी में यदि लगा रहे हो, भले ही वो एमपी के लिए नहीं बनाई गई लेकिन आप एमपी में लगा रहे हो, तो उतना उत्पादन वो आपको नहीं देगी जितना उत्पादन वो वैरायटी पंजाब में देती है। यूपी की वैरायटी आप महाराष्ट्र या एमपी में लगा रहे हो तो उतना उत्पादन आपको नहीं मिलेगा जितना यूपी में मिलता है। तो आपको क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है। और ये क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी कैसे लगाई जाती है, जैसे कोई भी नई वैरायटी निकाली जाती है तो उसको जब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है 28 अलग अलग लोकेशन पे, तो वो इसीलिए भेजते हैं ताकि हम लोकेशन का पता कर सकें कि भाई जहाँ जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ वहाँ पे ये वैरायटी कैसा क्या परफॉर्मेंस कर रही है। और वो उसी हिसाब से क्षेत्र डिसाइड करते हैं कि भाई इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे लगाया जा सकता है, बाकी जगहों पे इस वैरायटी को नहीं लगाया जा सकता। तो आपको वैरायटी जो भी आप लगा रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये जुटा लेना है कि किन किन क्षेत्र के लिए ये वैरायटी बनाई गई है या फिर किन किन क्षेत्रों में हम इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, आपको अपने यहाँ पे जितनी सिंचाई हो सकती है, मतलब कितने पानी आपके पास अवेलेबल है, कितना पानी आप निकाल सकते हो, उसी हिसाब से आपको वैरायटी लगाना है। आपके पास यदि दो पानी है तो दो पानी वाली वैरायटी जो दो पानी में अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है वही वैरायटी का चुनाव करना है। इसके अलावा यदि दो पानी से ज़्यादा है, मतलब 3-4 पानी आप निकाल पाते हो, तो आपको ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जो 3-4 पानी में अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। अगर ये फंडा आप अपनाते हो तो आप गेहूँ में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। अब इसके अलावा एक और चीज़ भाई, वैरायटी में काफ़ी बार ये समस्या देखी जाती है, जब वैरायटी पक जाती है, मतलब पकने के टाइम पे दाने निकल के गिरने लगते हैं जिसको हम झड़ना भी बोलते हैं, तो ऐसी वैरायटी का भी आपको सिलेक्शन नहीं करना जिसमें झड़ने वाली समस्या हो। इसके अलावा आपको ऐसी वैरायटी का भी सिलेक्शन नहीं करना है जो ज़्यादा हाइट ले, जैसे सरबती है, ये वैरायटी हालांकि रेट में अच्छी जाती है लेकिन इसका कोई खास उत्पादन नहीं देखा जाता और इसकी हाइट एक पानी में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली एमपी में ये वैरायटी बहुत ज़्यादा हाइट लेती है, बाकी जगह पे लेती नहीं लेती वो तो नहीं पता, लेकिन एमपी में ये वैरायटी बहुत ज़्यादा हाइट ले लेती है। तो आपको ऐसी वैरायटी का भी सिलेक्शन नहीं करना है जो ज़्यादा हाइट ले। अब जिन टॉप 3 वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें तीसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम 303। अब श्रीराम वालों ने इससे पहले श्रीराम 111 भी निकाला था, एसआर 111 जिसको 111 के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद इन्होंने 303 निकाली। अब ये 303 की यदि बात की जाए तो हाइट में ओवरऑल ये बढ़िया है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा पानी निकालते हो तो ये हाइट ज़्यादा ले सकती है, उस कंडीशन में आपको लियोसिन का छिड़काव करना पड़ेगा। अगर अवधि की बात की जाए तो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है, बाकी इसके बालियों का साइज काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसमें फोटाप भी बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा दोस्तों ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब इसमें ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, वाइट रस्ट, ये तीनों रस्ट इस वैरायटी में नहीं लगते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि ये उत्पादन में भी अच्छी है, इसके अलावा इस वैरायटी से आप रेट भी अच्छा खासा ले सकते हो। टॉप 2 पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है GW513। अब GW513 और GW322, ये दोनों ही वैरायटी बढ़िया है। GW322 में दो तरह की वैरायटी है, एक ज़्यादा वजन वाली है और एक कम वजन वाली है। इसके अलावा इन्होंने GW513 निकाली, इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया है और ये रेट में काफ़ी बढ़िया चली जाती है। अगर आपके पास कम पानी है तो आप GW322 या GW513 लगा सकते हो। यदि आपके पास मैक्सिमम 2-3 पानी है, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाते हो, तो आप GW में ये दोनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी को
लगा सकते हो। हालांकि एचडी की भी 3385 जो कि 2023 में निकाली गई थी पूसा दिल्ली से, अब ये एचडी 3385 का एवरेज उत्पादन जो इन्होंने बताया है वो लगभग 68 से 70 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से बताया। देखो दोस्तों, हेक्टर और एकड़ ये दोनों चीज़ अलग अलग है। हेक्टर में ये 68 से 70 कुंटल बता रहे हैं, लेकिन ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। बाकी इस वैरायटी को यदि आप लगाते हो तो इसमें आपको समय का विशेषकर ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच इस वैरायटी को लगा सकते हो, मतलब अगेती बुवाई इसकी की जाती है। अगर इसके बाद आप लगाते हो तो उत्पादन में हो सकता है अंतर आ जाए या उत्पादन आपको उस हिसाब से नहीं मिले जो इन्होंने बताया है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ये एकदम लेटेस्ट वैरायटी है एचडी 3385। एचआई की भी इस बार वैरायटी निकाली गई है, हालांकि 1650 जिसके बारे में हमारे काफ़ी किसान भाइयों को पता होगा और काफ़ी किसान भाइयों को नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में आप जा सकते हो, वहां पे डिटेल में जानकारी दे रखी है मैंने 1650 के बारे में। अब जो फर्स्ट नंबर पर एमपी में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है वो है भैया एचआई 8759, जिसको पूसा तेजस के नाम से जाना जाता है। अब इस वैरायटी की बहुत सारी खासियत है और इसी की तरह मिलती जुलती एक और है 8713। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे पूसा तेजस की। इसमें हाइट ज़्यादा नहीं लेती ये वैरायटी। कल्लू का फुटाप अभी तक एमपी में सबसे बेस्ट है और इसका उत्पादन अगर देखा जाए, मैक्सिमम उत्पादन जो हमारे किसान भाइयों ने लिया है वो 35 कुंटल पर एकड़ तक लिया है। अगर आपके पास ठीक ठाक पानी है, मतलब आप यदि 4-5 पानी निकाल पाते हो तो आप पूसा तेजस ही लगाएं। इससे बेस्ट वैरायटी एमपी के लिए अभी तक कोई सी भी नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात यह है कि एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, इसमें भी तीनों रस्ट नहीं लगते। ये मध्यम अवधि की वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा लेट वैरायटी भी नहीं है। तो ये तीनों वैरायटी में आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हो और कौन सी वैरायटी आपको पसंद है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और जिन किसान भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, वाह वाह, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।